राम राम भाई लोग, आप लोगों के लिए इस वीडियो में बताने वाला हूं कि सोनी सिनेमा चैनल्स कब लॉन्च होगा, कैसे लॉन्च होगा, इसके पीछे की सच्चाई क्या है। क्योंकि YouTube पे काफ़ी ज़्यादा यूट्यूबर ने जो है इनका इस पे वीडियो बना रखा है और बोल रहा है कि आपके डीडी फ्री डिश में जो है ये चैनल्स बहुत जल्द लॉन्च होंगे। तो मैं सोचा कि आप लोगों के लिए जो है इसके पीछे की सच्चाई बता दूं, क्या वाकई में ये चैनल्स लॉन्च होगा, इसके पीछे का राज क्या है। तो तमाम जानकारी इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए। और आपके मन में जो भी क्वेश्चन, हमारे लिए जो भी सजेशन है, कमेंट बॉक्स आप ही के लिए फटाफट जाइए, कमेंट कर दीजिए। आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि हमारे चैनल का एक ही मंशा रही है कि आपको हमेशा ट्रू टैक वीडियो मिले, सच्ची जानकारी मिले, ताकि आप किसी भी गलत फहमी के शिकार ना हो, आप किसी भी फेक न्यूज के शिकार ना हो। तो हमारी मंशा हमेशा से यही रही है। तो मैं आपको बात करने वाला हूं सोनी सिनेमा चैनल्स के विषय में। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सोनी सिनेमा चैनल्स कौन सा है, क्या है, कैसे है। तो सोनी सिनेमा चैनल्स एक पाकिस्तानी प्राइवेट लिमिटेड नेटवर्क के द्वारा, एरकाना जो मीडिया नेटवर्क है उसके द्वारा चलाया जाता है। और ये चैनल्स आपको एशिया सेट के 105 डिग्री ईस्ट में सी बैंड पे चलाया जाता है, जो कि एक डबिंग चैनल्स है। इसमें आपको मूवीज़ दिखाए जाते हैं, प्रोग्राम दिखाए जाते हैं, जो कि एक डब करके चैनल्स दिखाया जाता है। और यहाँ पर आपको कभी कभी नई मूवीज़ भी जो है दिखा दी जाती है। इनकी जो फ्रीक्वेंसी रहती है वो रहती है 3914 वर्टिकल 7259, इनका फ्रीक्वेंसी है और ये इस चैनल का ये सच्चाई है। अब बात करते हैं ये चैनल्स आपके डीडी फ्री डिश में आएंगे या फिर नहीं आएंगे। तो ये चैनल्स जो है आपके डीडी फ्री डिश में बिल्कुल भी और कभी भी नहीं आने वाले हैं, इस चीज को आप नोट करके रख लो। एक डबिंग चैनल्स है जो कि पाकिस्तानी मीडिया नेटवर्क के द्वारा चलाया जाता है, एरकाना, लेकिन ये जो है कभी इंडिया में लॉन्च नहीं होगा, आपके फ्री टू एयर नहीं रहने वाले हैं डीडी फ्री डिश में। ये सी बैंड का चैनल्स है और जो कि एशिया के सेटेलाइट पर आपको दिखाया जाता है। तो आप ही सोचो भैया, जो चीज आपको आपके देश का भी नहीं है तो वो आपके डीडी फ्री डिश में कैसे आएगा, क्यों आएगा, आप इसके विषय में सोच सकते हो। यहां पे लोग जो है एक अफवाह बना रखी है, फेक न्यूज आपको फैला के बता रहा है कि ये चैनल्स आपके डीडी फ्री डिश में ऐड होने वाले हैं। तो आप बिल्कुल भी इस तरह के चीजों को सपोर्ट ना करो। इस तरह के चैनल्स पे आप जाके कमेंट करके जरूर बताओ कि भैया तू इस तरह की वीडियो क्यों बनाता है। क्योंकि देखिए, इस तरह की वीडियो और इस तरह का न्यूज इसलिए बनाया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा व्यू गेन कर सके, सब्सक्राइबर गेन कर सके। अगर वो चैनल्स पैसे कमा रहा है तो बिल्कुल भी वो पैसे कमाएगा। तो मेरा कभी भी ऐसा मकसद नहीं रहा है कि मैं आप लोगों को एक फेक न्यूज बना दूं और फिर व्यूज पाके मैं भी पैसे कमाना शुरू कर दूं, ऐसा कोई कभी भी नहीं रहा है। आप अगर हमारे पुराने सब्सक्राइबर हो तो हमारे चैनल्स पे आप जाके देख सकते हो, मैंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं बताया है और हमेशा गलत का सपोर्ट नहीं किया है, हमेशा उनका मैंने विरोध किया है और हमेशा सच्ची जानकारी आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाया हूं अपने चैनल्स पे। अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हो तो आपको अच्छे से पता होगा। तो मेरा एक ही मकसद था कि आप लोगों को सही जानकारी और फेक जो यहाँ पे अफवाह फैलाई जा रही है उससे आपको बचाया जाए। तो यही वीडियो आप लोगों के लिए था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और इसी तरह की ट्रू टैक वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपके मन में जो भी क्वेश्चन, हमारे लिए जो भी सजेशन होगा, कमेंट बॉक्स आप ही के लिए फटाफट जाइए, कमेंट कीजिए। आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के दोस्तों वंदे मातरम, भारत माता की जय।